subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अलैकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तहांजी सोपिया कुकिंग शो उम्मीद है सब खैरियत से हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज तहांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं। फिश वीक लास्ट वीक का कंदा अचूं पिया, काफ़ी सारी फरमाइशूं तव्हांजी पूरी कयूं। मच्छी जी मज़ेदार रेसिपीज़ जेको तव्हां सियारे में इंजॉय कयो पिया, हुन में काफ़ी सारी रेसिपीज़ तव्हांखे सेखारियूं आहिनि। अॼु बि मज़ेदार हिकु रेसिपी ठाहींदासीं, ऐं इहा रेसिपी असां ठाहींदासीं शारजा कुकिंग ऑइल सां गॾु वाइटमिन ए, ई ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऐं ओमेगा थ्री मौजूदु बनस्पति घी तमामु बहितरीन आहे। हुन सां गॾु असां वटि आहे मलका फूड में तमामु बहितरीन रेसिपी आहे, जंहिंमें काफ़ी सारा मसाला आहिनि, काफ़ी सारी वैरायटी आहे, उहा तव्हां वठी सघो था। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हर शइ अवेलेबल आहे। एनएक्स तव्हां वठी सघो था ऐं मार्केट मां पंहिंजी रेसिपीज ईज़ी ठाही हुन में सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे, मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए यू डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, मेगा थ्री मौजूद है, मज़ेदार ऑयल, मज़ेदार खाने इसमें बनते हैं और रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। मैंने कल बताया था कि फ़िश का वीक हम तो करते आ रहे हैं, बहुत सारी इसमें फरमाइशें भी आपकी पूरी करता आ रहा हूँ। तो ये अल मंज़र पे हैदराबाद जाम शोर में जो फ़िश मिलती है, लोग दूर दूर से खाने जाते हैं, वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मज़ेदार। और एक विंटर के हिसाब से विंटर स्पेशल मसाला टी बनाऊंगा। दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी और ये रेसिपीज़ आप YouTube पे भी देख सकते हैं। और मलका फूड हमारे साथ है, मलका फूड में काफ़ी सारे मसाले, वसी रेंज है इसमें, टोमेटो, केचप, चिली, गार्लिक सॉस, हर चीज़ अवेलेबल है। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हर चीज़ अवेलेबल है। और रेसिपी जो होगी 1 kg के फ़िश के हिसाब से बनाएंगे। अल मंज़र वाली फ़िश ठाहियूं पिया, मच्छी जो हैदराबाद जाम शोर जी मशहूर मच्छी आहे, जो मसालो जेको स्पेशल हूंदो आहे कंहिंखे भी ख़बर नाहे, लेकिन उहा रेसिपी मां वठी आयो आहियां। उहा रेसिपी तव्हां सां गॾु शेयर कंदमि, इनखे ॾिसजो, ठाहिजो, इंजॉय कजो सियारे में इहा रेसिपी। हिन सां गॾु मसाला चांहि ठाहींदासीं विंटर स्पेशल सियारे जे हिसाब सां, ज़बरदस्त। छा कंदा, चेस्ट कंडीशन, ज़ुकाम ऐं सर्दी जो अॼुकल्ह सीज़न हले पियो, त इहा मसाला चांहि ज़बरदस्त आहे। ॿई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदी, स्क्रीन ते नंबर हले पियो, तव्हां कॉल करे सघो था, का बि फरमाइश करणी हुजे करे सघो था। ऐं मच्छी जी जेका रेसिपी आहे, 1 kg टे पाउ जेतिरी मच्छी हिकु वठंदो, उनखे सिंधी स्टाइल में कटिंग कराईंदो, ठीकु है। फ़िश आप लेंगे, एक फ़िश उसकी कटिंग जैसे हम कहते हैं कि बैक बोन से कटिंग होती है, वो पूरा खुल जाता है स्लाइसिस में, इस तरह की ये फ़िश कटिंग हुई हुई है। इसके मैंने 4 स्लाइसिस किए, वहाँ जब हम जाते हैं तो बड़ा सा इतना प्लेटर होता है, तवा होता है, उसके ऊपर पूरी मछली एक ही तरह की पूरी मछली खुली हुई होती, एक ही साबित मछली होती, 1 किलो हो, 2 किलो हो, 3 किलो, जितना भी बड़ा पीस होता है वो एक ही पीस में सर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फ्राइंग पैन में करेंगे, तो इसके मैंने 4 पीस किए हुए, बड़ी फ़िश थी एक, उसके 4 पीस कर दिए, ठीक है। वड़ी मच्छी साबित हूँ जी, असं बाहर वही खाई आयूँ तो वड़ी वड़ी उन्होंने तयूँ वड़ी हूँ, वड़ी वड़ी, वड़ी कढ़ाई हूँ, उनमें वो फ्राई कर असा वो वो सिस्टम ना है, तो अस इनके सिर्फ फ्राइंग पैन में फ्राई कंदी, तो उन हिसाब से मैं इनके जो है 4 पीस में कटिंग वाली मछली यूज़ क्या पे, ठीक है। मछी का भी खड़ो, मिठे पानी की समुण की जो तक सुठी लगे, हुआ डंबरो, कुरड़ो या मुराखी, ये मछी उत हलन, या पलो पलो तो अजक मिले ना पो, काफ़ी मुश्किल से मिलो, न तो पलो भी इन तरीके से ठंड है, ठीक है। ये सिंधी एक सॉरी मीठे पानी की मछली होती है, उसमें बनती है। अगर आप नहीं खा सकते, इसमें कांटा आपको ज़्यादा लगता है, तो आप समंदर की मछली ले लें, कोई भी सुरमई है, जो भी है, उसको आपने बैक बोन से कटिंग कराएंगी तो इस तरह कटिंग होगी। इस फिश का तरीक़ेकार यही होता है बनाने का, ठीक है। इसमें जो जो मसाले जाएंगे, सबसे पहले मसालों को हम ग्राइंड करेंगे, एक मसाला बनाएंगे स्पेशल जो इसका मसाला, अच्छा ये मसाला ज़रूरी नहीं कि आप इसी फ़िश पर लगाएं, और छोटे साइज़ की भी फ़िश है तो ये मसाला बना के आप रख लें, ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बना सकती हैं इसको डबल करके, और जितनी क्वांटिटी में बना रहा हूँ ये 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक की मछली पे आप लगा सकते हैं, हम जितना इस पे लगाएंगे बाकी हम रख लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हम लेंगे ग्राइंडर, कुछ मसाले पिसे हुए जाएंगे, कुछ मसाले साबित इसमें जाएंगे, ठीक है। एनएक्स जो ग्राइंडर यूज़ कंदासीं, ऐं गिदामड़ी जो पेस्ट भी ठाहे रखबो, इमली का पल्प बना के आपने रख देना है 1 से 1.5 कप, उसमें से हम चटनी बनाएंगे, वहाँ पे जो चटनी बनती है वो भी इन्हीं मसालों से बनती है, और उसमें इमली का पल्प होता है, थोड़ा सा लहसुन पिसा हुआ जाता है, इमली का पल्प हमारे पास है 1 से 1.25 कप या 1.5 कप जितना, ये इमली का पल्प है, गूदा है, गाढ़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जायफल का ऊपर का हिस्सा तोड़ दें, इसका शेल खोल दें, ठीक है, और ये बिल्कुल छालिया की तरह पीस निकलते हैं इसके अंदर से, इस तरह देखें, ये थोड़ा सा लेना है हमने, चौथा हिस्सा इसका ले लें, ठीक है। सुपारी वंगर ये पीस निकलो, इन जो ये विछंदी
जायफल जावित्री दोनों मिला के इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, ये 2 से 3 अदद जाएंगी और साथ ही छोटी इलायची है 3 अदद, नंढा पोटराइन 3 अदद, जायफल जावित्री बई मिलाई अध चाय जो चमचो करे वो नंढा पोटराइन के अंदर 3 अदद विंदा, ठीक है, छोटी इलायची गौर से अपने ये नोट करना है पूरा मसाला, छोटी इलायची इसमें जाएंगी 3 अदद, जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून जितना ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1, 2, 3 तीन चाय का चम्मच ज़ीरा चला गया, साबित धनिया 1, 2, 3 ये 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक की फ़िश का मसाला है, ठीक है, हेवी लेयर होती है, मसाला ज़्यादा लगता है इस पर ऊपर डाला जाता है, तो इसलिए मैं 1 से 1.5 किलो तक की फ़िश का बता रहा हूँ। जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून जितना ले लेना है, 3 अदद छोटी इलायची, 3 चाय के चम्मच ज़ीरा, 3 चाय के चम्मच साबित धनिया, 3 चाय का चम्मच ज़ीरो अच्छो, 3 चाय का चम्मच साबित धाना, जायफल जावित्री सफ़ा घट, ठीक है, 4 चाय जो चम्मच या 1/2 चाय जो चम्मच का थोड़ी घट, नंढा फोटा 3 अदद हलिया वा, उन विजासी सौंफ, सौंफ 1 ऐं 2 चाय के चम्मच सौंफ चला गया, ठीक है, 2 चाय जो चम्मच सौंफ, साबित कारा मिर्च 2 चाय जो चम्मच, इस तरह ये भर के साबित काली मिर्च डालेंगे, करीब करीब काट जो साबित काली मिर्च आपने भर के लेवल में डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, चाय का चम्मच, ठीक है, खाने का चम्मच नहीं, इस तरह आपने 1 और ये 2 चाय के चम्मच आपने डाल दिया इसमें साबित काली मिर्च, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, कसूरी मेथी, खुश्क मेथी डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जाएगी कसूरी मेथी, 1/2 चाय जो चम्मचों खुश्क मेथी हली हुई, ठीक है। उन्हें का पे मिलाईंदी अनारदानो डाड़ू जा बिज, अनारदाना, अनारदाना वॉश करके पानी से अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कीड़े भी होते हैं इसमें, मार्केट से लेते हैं, देख के लिया करें, और अनारदाना जब लेते हैं तो उसको क्लियर किया करें, पानी से धो के फिर आप यूज़ किया करें, ठीक है। यह हो गया अनारदाना हमारे पास, अनारदाना हम इसमें कितना डालेंगे, 4 खाने के चम्मच अंदाजे से डाल रहा हूँ, 4 खाने के चम्मच बिल्कुल वॉश हुआ हुआ साफ अनारदाना होना चाहिए, ठीक है, 4 खाने के चम्मच अनारदाना डाड़ू जा बिज, 4 टेबल स्पून अनारदाना, ठीक है, ये पूरा डाल दिया इसके अंदर। और अब इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, वो हम बाद में मिलाएंगे बाकी चीज़ें, अब इसको हमने ग्राइंडर में डाल के एनएक्स के इसको ग्राइंड करना मसाले को, ठीक है, तो बाकी अभी और भी मसाले इसमें हैं वो बाद में डालेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ना हो मसाला, थोड़ा कुटा हुआ दरदरा सा होता है, ठीक है, जी कुटियल हों मसालो उखरी मोरी में कुटे वो या पो हिन में भी तुम जैसे कुटन तो इनमें भी हलाइंदो तो एतरो हो जी कुटियल लगे, हे ना लगे कि तहां के बिल्कुल बारीक पाउडर थी वाले, ठीक है। ये निकाल देंगे एक बॉल में, ये देखें अनारदाना भी इसमें कुटा हुआ है जैसे उस तरह का, ठीक है, अब ये गौर से देखें किस तरह कुटा हुआ मसाला लग रहा है, ठीक है। हाने इनके अंदर छा मिलाईंदी वो शयू मां तक बुधाएं, तो अब इसके अंदर हमने क्या क्या मिलाना है, अब हम मिलाएंगे नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, 1 किलो फिश के हिसाब से 1 चाय का चम्मच नमक है, और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 और 2 से 2.5 चाय के चम्मच काफ़ी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, 2 चाय जो चम्मच कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चम्मचों पीठल गाढ़ा मिर्च। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का आपने चाट मसाला लेना, मैं इतने थी तो ना चाट मसाला हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4 4 चाय के चम्मच चाट मसाला चला गया, नमक चला गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, चाट मसालो 3 चाय जो चम्मच, लूण 1 चाय जो चम्मच, छाकड़ चाट मसाले जे अंदर भी लूण हुंदो आहे तो लूण जी क्वांटिटी घट रखो, गरम मसालो पाउडर इसमें 1 चाय का चम्मच चला जाएगा गरम मसाला पाउडर, ठीक है, गरम मसाला पाउडर डाला, इस सारे मसाले को मिक्स कर दिया, ये हो गया स्पेशल जामशोरों की फ़िश का मसाला, जो हैदराबाद में भी अब कुछ पॉइंट्स खुल गए हैं फ़िश पॉइंट, वहाँ पे भी ये मिलती है, ठीक है, वहाँ पे भी ये फ़िश मिलती है हैदराबाद में, तो आप वहाँ से जैसे खाते हैं, तो ये मसाला सिर्फ इस मसाले की वजह से वो फ़िश इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, हालांकि मसाला इतना महंगा नहीं है, आप ये क्वांटिटी अगर मसाले की हम रखेंगे तो 60, 70 या 80 रुपए का ये मसाला बनेगा, फ़िश अगर आप लेते हैं 300, 400, 700, 800 में ऑयल वगैरह मिला के आपकी पूरी एक फ़िश तैयार हो जाती है 1 से 1.5 किलो 2 किलो के अंदर, ठीक है, 800 लगा लें ऑयल वगैरह सब लगा के या गैस के साथ,
और यही रेसिपी आप बाहर जाके अगर खाएंगे तो 3,000 रुपये किलो, 2,500 रुपये किलो या एक दाना होता है 1 किलो 1.5 किलो का, तो वो 2,500 से 2,800 बार्गनिंग करके 3,000 से कम आते हैं, बाज़ दफ़ा 3,500 भी देते। पल्ला फ़िश लेते हैं 1 किलो का अगर दाना होता है तो हम पल्ला फ़िश अगर वैसे ओरिजिनल रहते तो 1,000 रुपये तक का एक पीस मिल जाता है मसाला वगैरह मिला के, तो आपको 1,200 का। और यही पल्ला मछली अगर बनी हुई खाएंगे तो 3,500 का एक दाना पड़ता है, तो इतना फ़र्क आता है। ठीक है, वो भी अपना बिज़नेस करते हैं, लेकिन इसीलिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ की रेसिपी में लेके आया था। पहले भी मैं गया था, प्रोग्राम किया था वहाँ पे मैंने, तो वही रेसिपी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हे मसालो स्पेशल असांजो तैयार थी वियो आहे। हिन सां गॾु छा यूज़ थींदो आहे? गिदामड़ी जो पेस्ट। इमली का पल्प बना के आपने रखना है, इमली का पल्प इसके साथ यूज़ होगा। ये पूरा प्रोसेस किस तरह होगा, वो फ्राई करने का तरीका क्या होगा वो मैं बताऊँगा। फ़िश हमारी कटी हुई पड़ी, अब इसको करते हैं फ्राई करना, स्टार्ट करते हैं। मसाला टीवी बनेगी बाद में बनाएंगे, ठीक है। रेसिपी पूरी रिपीट करा देता हूँ साथ साथ, जो हमने मसाला बनाया है जाम शोरों की जो स्पेशल फ़िश है उसका मसाला, ठीक है। मसालों में छाछा विधो, वरी रिपीट कराएं तो, टे चाय जा चमचा भरे विझंदासीं साबित धाणा, टे चाय जा चमचा भरे विझंदासीं अछो ज़ीरो, ब चाय जा चमचा साबित ॻाढ़ा मिर्च, कसूरी मेथी विझंदासीं हिन में अधु चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। हुन जे बाद सौंफ विझंदासीं 1 चांहि जो चमचो, जायफल जावेत्री मिली वेंदी आहे मार्केट में ईज़ीली, अगरि न आहे त हुनजे बग़ैर बि ठाही वठिजो, थोरो टेस्ट में एॾो फ़र्क़ु न ईंदो, हुनजे बग़ैर बि ठही वेंदी, अगरि आहे त उहो अधु चांहि जो चमचो विझिजो, ठीकु आहे। ॾाड़ू जा ॿिज, अनारदानो जंहिंखे चइबो आहे, उहो विझिजो 4 खाइण जा चमचा, ठीकु आहे। इहो सभु शयूं विझी ऐं नंढा फोटा हिन में विझंदो 3 अदद, पीसे वठिजो या उखरी मोरी में कुटे वठिजो सफ़ा, ठीकु आहे, ॾॾड़ो थी वियो सफ़ा बारीक बारीक कुटियल हुजे। हुन खां पोइ प्याले में कटिजो, हुन में विझंदो कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, तव्हां हिन में विझंदो 1 चांहि जो चमचे खां 1.5 चांहि जो चमचो या 2 चांहि जा चमचा बि विझी सघो, त मां 2 चांहि जा चमचा विधा आहिनि। पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, लूणु 1 चांहि जो चमचो, रुक जाए, गरम मसालो पाउडर विधो आहे हिन में 4 चांहि जो चमचा, और सॉरी चाट मसालो विधो आहे 4 चांहि जा चमचा, गरम मसालो पाउडर मां हिन में विधो आहे 1 चांहि जो चमचो, ठीक है। सॼो मसालो ठाहे रखी छॾियो आहे, ब्रेक ते वञूं पिया। ब्रेक के बाद आके रेसिपी आपको दोबारा मैं रिपीट कराऊंगा, ब्रेक के बाद आके हम फिश को भी फ्राई करेंगे, पूरा इसका प्रोसेस है वो किस तरह होगा ब्रेक के बाद बताएंगे। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए, ई एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है। हिते असां शारजा कुकिंग ऑयल विझंदासीं 2 कप, 2 कप जितना शारजा कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ किया, ठीक है। इसको करेंगे गरम, और इतना गरम करें कि बहुत ज़्यादा कि फ़िश जले भी ना, और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आपकी फ़िश इसमें फ्राई हो जाए। रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, मसाला जो मैंने स्पेशल फ़िश का बनाया है ये आपके सामने है, शायद आपने अभी टीवी खोली हो, कोई चीज़ मिस हो रही हो। सबसे पहले हम ग्राइंडर में लेंगे, ठीक है, 3 चाय के चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, 3 चाय के चम्मच साबित धनिया, 3 चाय के चम्मच ज़ीरा वाइट वाला, 3 चाय का चम्मच साबित धनिया, 2 चाय के चम्मच साबित काली मिर्च, ठीक है, 3 अदद छोटी इलायची, जायफल जावित्री ले लें 1/4 टीस्पून जितना, या 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसके फ्लेवर देने के लिए। सौंफ 1 चाय का चम्मच डाला, कसूरी मेथी डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच, अनारदाना 4 खाने का चम्मच, ठीक है, ये सब चीज़ें लेंगे, 4 खाने के चम्मच अनारदाना, कसूरी मेथी 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 3 चाय का चम्मच, साबित धनिया 3 चाय का चम्मच भर भर के, ठीक है, काली मिर्च साबित 2 चाय के चम्मच, छोटी इलायची आपने डाल देनी है 3 अदद, और अनारदाना 4 खाने का चम्मच, और सौंफ 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंडर में पीस लेना है मोटा मोटा, या इमाम दस्ते में कूट लें, उसके बाद बॉल में निकालें। फिर इसमें आपने मिलाना है चाट मसाला 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है, 3 खाने के चम्मच काफ़ी हो जाएगा। नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 से 2 चाय के चम्मच, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर आप इसमें मिला देंगी कितना, 1 चाय का चम्मच। सारा मसाला आपने मिला के रख देना है, ये बॉल में रखा हुआ है, 1.5 किलो तक की फ़िश में आराम से आप ये डालेंगे मसाला। इमली का पल्प आपने यहाँ पे
बना के रखना है। ये इमली का पेस्ट है हमारे पास, ये तकरीबन सवा कप, एक कप सवा कप से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम चटनी भी बनाएंगे, तो ये मसाले के हिसाब से मैंने ज़्यादा करके रखा। आप एक आधा पौना कप रखिएगा, ठीक है, लेकिन चटनी बनाएंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे हमने शारजा कुकिंग ऑयल गरम किया। फ़िश आपने इस स्टाइल में कटिंग करानी है, बैक बोन से कटिंग होती है, ये स्टाइल देख लें, उनको बोल दें कि इस तरह स्लाइस में कटिंग करके दें। वैसे ही बड़े साइज़ में फ्लाई होती है साबित, लेकिन यहाँ फ्राइंग पैन या तवे पर हमने चार पीस करा देने एक फ़िश के, ठीक है। इसको नमक लगा के रखना है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपने इसको पानी से धो के छन्नी में डाल दें, आधा घंटा छोड़ दें ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए, फिर फ्राई करने में आपको परेशानी नहीं होगी, वरना पानी होता है तो परेशानी होती है, छींटे उड़े होते हैं इसके, ठीक है। मच्छी के लूण लगाइंदा 15 मिनट रखी, उनका पोइ गिदामड़ी जो पेस्ट आए ऑयल ॾिसूं था केतिरो गरम थियो आहे, ऑयल चङो गरम थिए त पोइ हिते असां मच्छी में विझंदासीं थोरो सो मसालो विझी चेक करे था वठूं, थोरी हिन में कसर आहे, मच्छी फ्राई थींदी। अच्छा, जब फिश फ्राई होगी तो इसी फिश का ऑयल जो होगा गरम गरम, वो किस तरह इसके ऊपर ढलेगा, जो लास्ट मैंने फ़िश बनाई थी उसी तरह इसकी प्रोसेस होगा, लेकिन वहाँ पे हमने लेमन जूस यूज़ किया था, यहाँ पे अनारदाना यूज़ हो रहा, और यहाँ पे हमारा आज फ़ोन बंद है, कॉल लाइन में प्रॉब्लम है क्या? ओके, रोकी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही कॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हमने फ़िश उठानी है। ओके, फ़िश उठाई और ऑयल गर्म होगा, ऑयल जैसे टेम्परेचर पर गर्म होगा, फ़िश हमने इसमें रख देनी है, ठीक है। एक एक पीस आराम आराम से, एक एक फ़िश का पीस उठा के इस तरह आपने रखना है, और इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। कवर करने का मकसद ये है कि फ़िश का जो पानी होता है वो वहीं ऑयल में निकल रहा होता है, तो वहीं पे ये ड्राई भी हो जाएगा फ़िश का पानी, और वो उसमें खुश्क होके फिर वो ब्राउन, अगर हम कवर नहीं करेंगे पानी सारा ऑयल में जाएगा तो वो उछलना शुरू हो जाएगा, किचन भी गंदा होता है, आपके ऊपर भी छींटे आते हैं, तो इस तरह कवर कर दिया करें। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अलहजो शुक्र अदी, कह रहे हैं कि गलायो क्या जी अदी, कुछ चढ़ चाहिए हो? इंशाल्लाह मथे हफ्ते, मथे हफ्ते हलवा ई निशास्तो ये सब शय इंशाल्लाह मथे हफ्ते में ज़रूर ठाहींदम जी। अदी तहां जी आवाज इलाही कटजे पे, छापे चाओ बाप वाली मच्छी साहिब, बाप वाली जी, स्टीम वाली, स्टीम वाली मु ठाई छड़ी हुई लास्ट वीक, ठाई हुई जेका सयल मच्छी हुंदी है, ता शायद ना डिठो जे प्रोग्राम जी जी। हां गुजरे वास्ते सांगो छवा से ना, मु ठाई लास्ट वीक ठाई वरती हुई, ता मिस थी भैया, यूट्यूब ते रिसीवर जो मुझे पेज ते रिसीवर जो, ठीक है। छाकाणि त हीउ सेंसिटिव हूंदा आहिनि, ॾंद आहे, कन आहे, अख, इहे जेको सूर हूंदा आहिनि ॾाढा ख़तरनाक हूंदा आहिनि, त हिन करे इहे डॉक्टर खे कंहिं सुठे डेंटिस्ट खे ॾेखारियो, कंहिं सुठे डेंटल हुन क्लिनिक में वञी तव्हां चेक करायो, छाकाणि अंदरि बि इन्फेक्शन हूंदो आहे मसोड़नि में, त हुन खां बि सूरु थींदो आहे ॾंदनि में, ठीकु आहे। अच्छा, फ़िश को मैंने कवर किया हुआ, आवाज़ आपको आ रही होगी शुड़ 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 शुड़, ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है, तो इस वजह से इसको फ्राई करने में मैंने कवर कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के बाद जब आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो पानी खुश्क होने लगेगा तो ऑयल इसका नज़र आने लगा, अभी पे कोई स्टीम सी बन गई थी वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद मैं इसको हटा के फिर इसको पलटाऊँगा, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, 3-4 मिनट इसको हमने मीडियम से तेज़ आंच पे रखा हुआ है ताकि नीचे से भी अच्छी तरह पक जाए, थोड़ा हिला रहा हूँ इस तरह तो ऑयल इसके ऊपर आता जा रहा है, ठीक है। आप ये प्रोसेस बहुत एहतियात से कीजिएगा, इससे क्या होता है कि आपके हाथ भी जल सकते हैं, ऑयल बाहर भी आ सकता है फ्राइंग पैन से, ठीक है। बहुत एहतियात से ये प्रोसेस करें, नहीं तो कढ़ाई में कर रही है तवे पे करें फिर बहुत एहतियात कीजिए। मेरे पास पैन मेरा ऐसा है कि मुझे पूरा पैक हुआ हुआ है, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ थोड़ी मीडियम कंदासी फ्लेम, एक साइड का मुझे अंदाजो थे पे कि मच्छी पचे पी, जब मच्छी जो साइड्स ब्राउन थे लगन है तो मच्छी पचन शुरू थी। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नदी जी? भाई जान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, मैं खाने वाल से टपू से बात कर रही हूँ जी। मेरी बहन कुछ कहना चाहेंगी? तो आपका नंबर मिला था तो एक बार पहले साथ मिली थी और आज मिली है। चलें तो अच्छी बात है, चलें अच्छी बात है। भाई मैंने ये पूछना था, मैं रेसिपी देख रही हूँ जी जी।
तो मैं ये बाहर के जो मसाले होते हैं, जैसे आपने चाट मसाला बताया या इमली बताई है या अनारदाना बताया, ये मैं इस्तेमाल भी करती बाहर की चीजें। फिर तो आपसे यही पूछना था कि अनारदाने की जगह अगर कुछ और डाल दें या इमली की जगह कोई और चाय हो तो आप बता सकते हैं। इमली की जगह आप लेमन जूस यूज़ कर लें। अच्छा। हाँ, खटाई देने के लिए लेमन जूस यूज़ कर लें। और अनारदाना बाहर का आप अगर यूज़ नहीं करती हैं तो आजकल अनार का सीज़न आया हुआ है ना, तो अनार के दाने छील के आप इसको ना वैसे ही सुखा दें तो ये अनारदाना बन जाता है एक हफ्ते में। आप इसको मलमल का कपड़ा डाल के ना इसको इसमें चकेरी में रखें, प्लास्टिक वाली में या फिर स्टील की जो छन्नी होती है उसमें रखें, ठीक है, तो ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा एक हफ्ते में। लेकिन ऊपर से कवर करके मलमल के कपड़े से रखिएगा क्योंकि वो फिर मट्टी ना जाए इसके ऊपर ना। जी भाई, वो तो कर लूँगी, वो कर लीजिए। बाकी चाट मसाला आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, वरना मैंने बनाना सिखाया हुआ है चाट मसाला। आप मेरे पेज पर चले जाएँ, वहाँ मुझे मैसेज कर दें कि खाने वाले से, ठीक है, फेसबुक पे, तो वहाँ पे चाट मसाले की पूरी पिक्चर रेसिपी के साथ मैं आपको दे दूंगा। मैंने रमजान में यहाँ पे बनाना सिखाया था। हाँ, हाँ, ठीक है। और भाई मैंने ये पूछना था, जैसे आपने चीज़ के कोफ्ते बनाए थे, जी जी, वो अगर किचन में बनाए बन जाएंगे? नहीं, उसका प्रोसेस अलग है। इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा वेट करें, एक हफ्ता में वो कोफ्ते की फरमाइश आ रही है तो मैं बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, देखते रहिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फ़िश अब मैं इसको कवर पलट रहा हूँ, ठीक है, अभी भी ये इसमें पानी है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश फ़िश आपको पता है यहाँ पे मिलती नहीं है, वो आती है तो फौरन वो बर्फ़ में रखते हैं इसको, बहुत एहतियात से, ठीक है। इस तरह आपने पलट देना, ये देखें, आराम से इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद इसका पानी जब नीचे से ड्राई हो जाएगा, स्किन, अभी स्किन की साइड हमने ब्राउन की थी, देन अब गोश्त की साइड से फिर इसको प्रेस करना शुरू करेंगे। प्रेस करते रहेंगे स्पून से, उससे क्या होगा कि फ़िश हमारी जो अच्छी सी फ्राई होगी। हमेशा मछली जब फ्राई करते हैं तवे पर उसको दबाया करें, मछली को दबाने से क्या होता है, मछली के अंदर तक ऑयल जाता है और जो मछली के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, पानी रह जाता है, नमी सी होती है, वो नरम नरम, वो थोड़े अच्छी तरह पक जाएगी, वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, उसमें हीक नहीं रहेगी, वो खुशबू आने लगेगी। ये क्या करें, ठीक है, लेकिन बहुत एहतियात से, ऑयल का टेम्परेचर, हाथ ना जले, ये चीज़ें बहुत एहतियात से करें। जैसा मैं कर रहा हूँ, कवर ऐसा रखें ऊपर, फ्राइंग पैन ऐसा ले लें ऊपर कवर करके। अच्छा, ये नॉन स्टिक है तो मुझे ये नहीं होता, बाज़ दफ़ा क्या होता है सिल्वर के फ्राइंग पैन हम यूज़ करते हैं, इसमें मछली चिपकती है, मछली चिपक रही थी तो उसमें क्या करें, ऑयल गरम किया करें, अच्छा ऑयल गरम करके हल्का सा नमक डाल दिया करें, नमक डाल के जी ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल के फिर मछली रख के बनाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं, वरना क्या होता है बाद में मछली टूटना शुरू हो जाती है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अदी छा हाल जी? अदी कुछ चैन चाहिए, ठीक है, बिहन जी रेसिपी हाँ ठाईदी, थोड़ा एक डेढ़ हफ्तो तुम वेट कजो, मथे हफ्ते का शुरू, ठीक है दी, ओके दी, अल्लाह हाफिज़। अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कवर मैंने रखा हुआ है, छीनते आते हैं ऑयल के, इसलिए मैंने कवर रखा हुआ है। अच्छी तरह इस तरह प्रेस करें, अब इसका जो पानी एक्सेस है वो चिक फिश के अंदर वो निकल जाएगा और अच्छी सी ये क्रिस्पी हो जाएगी, ठीक है। जब तक ये अभी फ्राई होगी, फिर इसको पलट के देखें, जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी हम यहाँ पे प्लेटर में इसको निकालेंगे, फौरन फौरन इसके ऊपर हम लगाएंगे क्या, मसाला और इमली का पल्प और गरम गरम ऑयल यहाँ से लेके इसके ऊपर। ये पूरा प्रोसेस अब आपने देखना है कि किस तरह ये मज़ेदार मछली बनेगी, ठीक है। अब कल देखते हैं कौन सी फ़िश है, फिर लाहौरी फ़िश भी है और भी बहुत सारी वैरायटी तो बहुत है। आज तक हमें 9 किस्म की मछलियाँ, 8 से 9 किस्म की, बल्कि 9-10, 10-11 किस्म की मछलियाँ हमने बना ली हैं आज तक, ठीक है, मछली की बहुत सारी वैरायटी 2 वीक से। इंशाल्लाह फिर बीच में कोई और भी दिन बीच में ऐसे बीच बीच में बनाऊंगा, कल देखते हैं एक दो और रेसिपीज़ कंप्लीट करके, फिर लाहौरी फ़िश है ये स्पेशल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और एक मैं वहाँ पर ट्राउट फ़िश खा के आया था ये बालाकोट साइड पर इधर, ठीक है, नारायण में, तो वो उसकी रेसिपी भी मेरे पास है, वो भी इंशाल्लाह बीच में किसी दिन बना देंगे। अच्छी तरह इसको प्रेस करें, चंगी तरह इनके प्रेस कंदासी, ठीक है, ताकि जो कलर से वरी पलटाई दिसंदासी, कड़े पीस के अगर हेठा का ब्राउन थी भैया तो उनके पो कढ़ंदासी, ठीक है जी। देखें कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, साईं कह रहे हैं, कितना गला पाया साईं? जनुलाब्दीन मेमोर कंबर जी, कुछ चैन चाहिए साईं? हलीम के बारे में पुछाना थी। हलीम त साईं मां ठाइण सिखारी है, ताकि मुझे पेज का मिली वेंदी हाने, त हते एडी जल्दी मैं न तो ठाई सका जी। साईं
हलीम के बारे में तुम मुझे पेज से ऐसी वो हलीम की रेसिपी तक बीफ में भी मिली वी चिकन में भी मिली वी ठीक है साई ओके थैंक यू ओके जी अल्लाह हाफिज़ थैंक यू अच्छा रुक जाए ये मैं दिखा दें ब्रेक से पहले ना ये देखें यहाँ पे हमने फिश डाली ये वाली फिश निकालेंगे बहुत एहतियात से मच्छी खंडा से ठीक है ये हमने फिश ले ली ठीक है फिर मच्छी खाई इसके ऊपर हमने क्या करना है फौरन फौरन रुक जाए अभी एक मिनट दे दें ये पल्प लिया इमली का इसके ऊपर इस तरह डालना है ठीक है इमली का पेस्ट नहीं है तो फिर आप लेमन जूस डाल दें गाढ़ा होना चाहिए इमली का पल्प अच्छी तरह इसके ऊपर डाल दें ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है जो मसाला बना के रखा था नहीं नहीं चीज़ मेरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी रुक जाए ये मसाला आप इस तरह आपने डालना है अच्छी तरह भर के ठीक है ये मसाला अच्छी तरह भर के डाला अब हमने क्या करना है यहाँ पे गरम ऑयल लेना है स्पून से और ये इसके ऊपर इस तरह डालना है ये देखें मसाला इससे बैठ जाएगा ये हो गया हमारा एक पोर्शन फिश का तैयार दूसरा हम ब्रेक के बाद करना है ठीक है ब्रेक के बाद रुपया ऑयल विद गिदामड़ी विधि मसालों विदो ऑयल विदो गरम गरम आई ब्रेक के बाद रुपया जैसे बी मच्छी फ्राई करें तब ब्रेक का पहुँचे कंटिन्यू करना दिल चाहे और किया शारजा शारजा बनस्पति घी शारजा कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है यहाँ पे हमने फ़िश फ्राई करके निकाल ली ठीक है फ़िश फ्राई करके निकाल ली अब गरम गरम ऑयल है फ़िश के ऊपर फिर दोबारा से डालेंगे इमली का पेस्ट इसी तरह गरम गरम जब आप फ़िश निकालेंगे इमली का पानी जो होता है इसके ऊपर डालें ताकि इसके ऊपर अच्छा सा सेट हो जाए ठीक है बहुत ज़्यादा भी ना कि डिप हो जाए बस उसके ऊपर आपने डालना है ख़ुद ब खुद अंदर इसमें सोक होता रहेगा इमली जो पानी इमली ना है तो पो लेमन असल गिदामड़ी जो ही पानी होता है ठीक है इमली का पल्प ही होता है असल रेसिपी में आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं ये डालने के बाद आपने क्या करना है जो मसाला हमने बना के रखा था वो पूरा इसके ऊपर हाथ से सेट करें भर के डालना है ठीक है हेवी लेयर होनी चाहिए फ़िश मसाले की इसी मसाले की वजह से ये फ़िश मशहूर है इस तरह और फिर गर्म गर्म ऑयल इसके ऊपर जाएगा पूरा सर के साथ फ्राई हुई है फ़िश ठीक है ये पूरा मसाला अच्छी लेयर करके हेवी लेयर करके आपने रखनी है और ये मसाला बड़ा मज़ेदार डिफरेंट इसमें बहुत सारे घर के मसाले ही सारे डले हुए अब हमने क्या करना है गरम गरम ऑयल लेना है और ये इस तरह इसके ऊपर जूम करके दिखाएगा ये देखें ऑयल इसके ऊपर डाल रहा हूँ ऑयल डालने से क्या होगा फिश के ऊपर जो मसाला है वो बिल्कुल पक जाएगा और इस पर चिपक जाएगा गिरेगा नहीं इमली के साथ ही जो एक्सेस ऑयल है वो खुद ही उतर के नीचे की तरफ जा रहा होगा ठीक है इस तरह आपने इसको मसाले के ऊपर ऑयल को डालना है ये हमारी हो गई फिश तैयार चामचोरों की स्पेशल फिश ठीक है मैंने इस तरह कटिंग की करवाई है कि दो हिस्सों में सेट हो जाइए वरना एक पूरी फिश आपके फ्राइंग पैन में आती नहीं बहुत बड़ा तवा होता है उनका तो उस हिसाब से वो लोग कर रहे होते हैं फ्राई ये हमारी फिश हो गई रेडी ठीक है और इसके बाद क्या करेंगे इसके लिए बनाएंगे चटनी चटनी में भी यही मसाले जाएंगे ठीक है चटनी में भी यही मसाले जाएंगे कोई चेंजिंग नहीं होती वहाँ पर जो ओरिजिनल चटनी यही बनती है ये ना हो कि आप समझ लो कि वो पुदीना धनिया दही वाली चटनी होती यही इमली का पल्प हमने लेना है प्याली ठीक है इमली जो गिदामड़ी जो पेस्ट कहूँ ठीक है काम पड़े हुआ है यही जो मसाला हमने बनाया हुआ है इसमें से एक दो तीन टेबल स्पून ये डाल देंगे फिर चाट मसाला इसमें एक खाने का चम्मच मिला दिया बस ये हो गई चटनी सेम यही चटनी इसके साथ बनती इसी के मसाले की ठीक है
उसी के साथ नान के साथ राइस के साथ ये चटनी सर्व होती, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें। हाँ इफ्ता चख लें, स्पाइसी करनी है, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डाल दें, आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा सॉल्ट, बस ये हो गई इसकी स्पेशल चटनी। ठीक है, जेकन जो मसालों हो उन्हीं के अद्ध कप की दावणी जो पेस्ट में विधो, थोड़ा कुटियल गाढ़ा मिर्च विधा, एक डेढ़ चाय जो चमचो या एक खंड जो चमचो चाट मसालो, थोड़ा एक पिंच लून विझी, ये चटनी इन सगर मुझे ओरिजिनल जो ओरिजिनल रेसिपी बिल्कुल उसी तरीके से बना रहा हूँ मैं, कोई इसमें एडिशन नहीं किए चटनी में, जिस तरह मैं वहाँ से देख के आया हूँ वही सेम इसकी फ़िश की चटनी इसके साथ सर्व कर रहा हूँ, ताकि हम चेंज ना करें रेसिपी, जिस तरह की बनी होती उसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, इसको रखते हैं टेबल पे, फिर बनाएंगे मसाला टी। मसाला टी स्पेशल सर्दियों के हिसाब से, बच्चों को भी पिला सकते हैं ख़ुद भी पिए, इसके लिए बनाते हैं। ये हो गई हमारी अलमंजर की जामशोर की स्पेशल सौगात। ठीक है, मछली, अब ये जितना मसाला बच गया मेरे पास, ये एक फिश और इसमें, यानी तीन पाव तक की एक फ़िश और बन जाएगी इसमें, मसाला मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया हुआ तो ये आपको काम आएगा, मसाला ज़ाया ना करें। ठीक है, फिर रख दें, फिर दोबारा बना सकते हैं। अगर आपने 2 किलो फ़िश है तो मसाला ये आपका पूरा हो जाएगा, 2 फिश हो ना 1 किलो की, तो फिर ये मसाला आपका उसमें पूरा हो जाएगा। अभी साहब हटा देता हूँ पहले, और इसके बाद हम आते हैं ज़बरदस्ती चाय बनाते हैं, मसाला टी, स्पेशल मसाला टी, बहुत लाइक करते हैं, इसकी फरमाइश भी आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो ये सब हटा दूं पहले, क्लियर हो जाए काउंटर हमारा, फिर हम आएंगे चाय के लिए, बिल्कुल काउंटर को क्लियर करके। और जब फिश आप फ्राई करते हैं किचन को फौरन साफ़ किया करें, क्योंकि वो स्मेल रह जाती है, गीला कपड़ा सर्फ वाला स्कॉच जो भी होता है स्पंज वगैरह नाम ले रहा हूँ, लगा के क्लीन कर दिया करें चूल्हा वगैरह सब, ताकि गर्म गर्म होती है, जब चूल्हा गर्म होता है तो उसको साफ़ करना आसान होता है, आप ठंडा हो जाता है छोड़ देते रात तक चूल्हा ख़राब हो रहा है, तो उसके बाद आप फिर रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर रही होती हैं, उससे बेहतर है जब चूल्हा गर्म होता है खाना खा लें या खाना खाने से पहले फौरन फौरन चूल्हे पे कपड़ा मारा करें, गर्म गर्म चूल्हा फौरन साफ़ होता है, ये आजमा के देखिएगा। बहुत सी खातिन क्या करती हैं, चूल्हा ऐसे ही छोड़ देती हैं, बाद में करेंगे, जैसे काम निपटता जाए, चूल्हे का जो स्टील होता है वो ख़राब कभी नहीं होगा, जंग नहीं स्टेंस नहीं आएंगे, आप गर्म पे ही कपड़ा मारें साफ़ कर लें, हाथ ना जले बहुत ख्याल से। यहाँ पर हमने लेने हैं मसाले, ठीक है पूरा डिटेल में बताऊँगा क्या क्या करना है। अच्छा, शुगर पेशेंट्स हैं तो वो फीकी बनाएं, मैं यहाँ पर गुड़ यूज़ कर रहा हूँ, इसमें गुड़ ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, मिठाई यूज़ थी वो तुम शुगर पेशेंट है तो फिकी ठाओ, एक पाव खीर, ठीक है, एक पाव दूध, और इसमें हम एक कप से थोड़ा कम पौना कप हम डाल देंगे पानी, ठीक है, पौना कप पानी डाल दिया, और 1.5 कप जितना एक पाव दूध एक गिलास के करीब होगा, ठीक है, इसको करेंगे गर्म। इसमें हमने क्या डालना है, मसाले पहले ग्राइंड करके डालेंगे, फिर वो हम छानेंगे। मसाला टी टाइप है, मसाले वाली चाय, सियारी जिला बेहतरीन है, सीनों ख़राब थे तो खंग जुकाम आजकल जो सीज़न हले पे होने ला बेहतरीन है, बारन के दियो थद न लगंदी, तां डेली शाम जो सुबह जो ठाए पियो, डी में 2-3 दफ़ा पियो, ताकि मज़ेदार लगंदी, जो जायको डिफरेंट है, रात जी मानी खा पो जरूर पियो, हाजमो भी थींदो, ऐं तमाम बेहतरीन है। ठीक है, इसमें जो मसाला था उसको थोड़ा क्लियर करते हैं, जायफल जावती वगैरह थी तो उसका फ्लेवर ना आए, ठीक है, मशीन को हमेशा क्लियर कर दिया करें यूज़ करने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे क्या क्या, इनमें भी जंदासी नंडा पोटा, छोटी इलायची 4 अदद, ठीक है, छोटी इलायची 4 अदद चली गई। यहाँ पे मेरे पास क्या है, दार चीनी की एक डंडी दरमियाने साइज़ की, ठीक है, दार चीनी एक दरमियाने साइज़ की नंडी डंडी है, 3 साबित काली मिर्च 2 अदद लौंग, 3 साबित काली मिर्च 2 अदद लौंग, 4 अदद छोटी इलायची, 1 छोटा दारचीनी का पीस, ठीक है, 3 अदद कारा मिर्च साबित या 2 अदद विझी छॾिजो, लौंग 2 नंढा फोटा 4 दारचीनी जी 1 डंडी विधी, सौंफ इतने वेंदो 1 चाय के चमचे का थोड़ा घटि, सौंफ 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे सुंड विझंदासी, अदरक है, ड्राई अदरक है, ठीक है, सोंठ इसको कहते हैं, ड्राई अदरक है, यह 1/2 इंच का टुकड़ा डालेंगे, ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कटिंग कर देता हूँ, ठीक है, 1/2 इंच का बस, इसको ऐसे ही डाल देते हैं, टूट नहीं रहा बहुत ही सख्त है
नहीं नहीं सख्त बहुत है। ठीक है, छोटा पीस है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हम डायरेक्ट डाल देते हैं, एक खाने का चम्मच जितना गुड़। गुड़ मायन में डायरेक्ट भी जहाँ पे ताकि ही खीर में गरी विंदो। ठीक है, दूध यहाँ पे, दूध और पानी में हम गुड़ डाल देंगे तो ये इसमें गल जाएगा। ठीक है, गुड़ में डाल रहा हूँ इसमें एक ये पीस और एक छोटा पीस और डाल देते हैं। ठीक है, गुड़ इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन दो खाने के चम्मच जितना या डेढ़ खाने के चम्मच जितना आप गुड़ डाल देंगे। और इसको हमने कर देना है ग्राइंड। ग्राइंड करने का पो इनके एक प्याले में कढूँ था ताकि छिलका वगैरह सस शयूं निकली वन। हल्की आंच पे दूध और पानी, एक गिलास जितना एक पाव दूध है इसमें, पौना कप पानी है और गुड़ डाल दिया मैंने इसमें डेढ़ से दो एक से डेढ़ खाने का चम्मच जितना। ठीक है, ये थी वो। अच्छा, सौंठ जो है वो पूरी नहीं डालूंगा, इसमें टूट गई है। ठीक है, उसके कुछ पीसेस मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। तकरीबन हाफ इंच का टुकड़ा था सौंठ, ये देखें मसाला मैं हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह का ये मसाला बन गया है। ठीक है, एक चाय का चम्मच सौंफ, चार अदद छोटी इलायची, दो अदद काली मिर्च, दो अदद लौंग, एक अदद दालचीनी और आधा इंच का अदरक का पीस। अदरक खुश्क वाली सौंठ होती वो नहीं है, तो आप कच्ची अदरक जो होती है सालन में डालते हो वो छोटा सा पीस है कूट के इसके अंदर डाल दें, छोटा आधा इंच का। ठीक है जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सालेकुम अदा। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अदी। तां बताओ केरे किथा गला पया? अदा हैदराबाद खां पे जाना है निशाक से वाली जी। चाल है नदी। यो अदा देखो ही मैं चाय जो तां खायो है ना, यो मैं बंद कर थोड़ो रिपीट तक जो। हां मां बिल्कुल हाने रिपीट कराया तो आई जो तां जो माशाल्लाह प्रोग्राम वीक बाद सुठो सुशवारो। जी जी, थैंक यू। अल्लाह फैजान के ते तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह बाद सुठो प्रोग्राम ता कयो। आमीन, जजाक अल्लाह। हां, आई मुझे हलवो जरूर खाए जो। हलवो इंशाल्लाह जरूर, बस मथे हफ्ते का हलवा शुरू थी विंदा आई, काफी मजेदार रेसिपीज मथे हफ्ते का इंशाल्लाह ठाइंदा से दी। सर आई अदा जो हिकड़ो ता हलवो बचे था न पेरी खायो हो न मुखा वा रेसिपी थी या गुम बेसन अंडे जो हलवो। ठीक है मुझे याद आ। ठीक है, वरी हाँ मैं रिपीट कराए छंदम ठाइन सिखारंदम छकन दा सियारो आए काफी मानो न डेठो तो वरी इनके रिपीट कंदा से। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अदा खैर। बस हाँ ता टीवी वट वनो तो मैं रिपीट कराए तो रेसिपी। ठीक है चाय जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे चाय हसबे जरूरत, हाफ टी स्पून जैसे हम डालते हैं दो कप में, हाफ टी स्पून डाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी भी ना है क्योंकि मसाले भी हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये वो मसाले वैसे नहीं है कि तेज़ या मुंह जलाने वाला गरम मसाला, इस तरह का नहीं, ये डिफरेंट एक मसाला है इसमें। ठीक है, पूरी रेसिपी रिपीट कराएं तो छाछा विदो, सुंड खण जो पाउडर में हुजे जी, सौंड जेका हूँ अदरक सुकल हुजे या पाउडर में हुजे, अध चाय के चमचे का भी थोड़ी घट हुजे। ठीक है, वो विझी छो ग्राइंडर में, ब अदद साबित कारा मिर्च, ब अदद लौंग, एक चाय जो चमचो अच्छो, एक चाय जो चमचे का थोड़ा घट सौंफ, एक दालचीनी जी डंडी नंडी। ठीक है, आई नंडा फोटा चार अदद, लेकिन उनमें धाणा होजन, खाली ना होजन, डिसी विझ जो जगह धाणा होजन, खुशबू अचे। ठीक है, वो विझी इनके ग्राइंडर में हलाई छो, ग्राइंडर में हलाने का यो पाउडर सजो इनके अंदर विझो खीर के अंदर, लेकिन खीर एक पा खो, उनमें मुनो कप तहां खणंदो पानी, उनका पत्ती मुन में केतरी विधी है, पत्ती मुन विधी है अध चाय जो चमचो। ठीक है, हाँ इनके हल्की बाह से हिं फेटंदा रही पचाइंदा, आई गुड़ या मिठाई जो तुझे वो डेढ़ खाने जो चमचे जितनी विधी है, ब कप में अगर मिठो ना है पसंद वधिक तो हल्को भी करे सको था, छा करता मैं थोड़ी वधिक इन करे विधी है मसालो जो इनके अंदर पे जो जायके के बैलेंस करण ला, मैं इनमें गुड़ तां खंड भी विझी सको था, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी गुड़ से गड डाढ़ी जबरदस्त रहती। ठीक है, रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। एक पाव दूध लेना है, पौना कप आपने पानी डालना है, गुड़ डालिएगा पिसा हुआ या डली होती है छोटी, वो आपने एक से डेढ़ खाने के चम्मच जितना डालना है। आपको लगेगा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मसाला टी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें गुड़ डाला हुआ है ज़्यादा करके थोड़ा। ठीक है, फिर इसमें जो मसाला डाला है वो आपने ग्राइंडर में पीसना है, सौंठ होती है अदरक ड्राई वाली या पाउडर फॉर्म में, क्वार्टर टी स्पून से थोड़ी ऊपर, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम लीजिएगा। उसके साथ दो अदद साबित काली मिर्च, दो अदद लौंग, चार अदद छोटी इलायची, लेकिन इसमें दाने होने चाहिए, चेक करके डालिएगा। ठीक है, सौंफ आधा चाय के चम्मच से ज़्यादा थोड़ा होना चाहिए, और उसके अलावा आपने डाल देना है इसमें दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक,
इसको आपने ग्राइंडर में चला के ग्राइंड करना है और ये पाउडर मैंने चाय इसमें दूध में डाल दिया। उसके बाद आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें चाय डाली है, पत्ती थोड़ी एक दो पिंच और डालूँ ताकि कलर अच्छा आए, ठीक है। इतनी आप अंदाजे से डालें जिससे चाय का कलर अच्छा आ जाए। इसको आपने इस तरह फेंटना है, इस तरह करके फेंटना है, ठीक है। इन तरीके से तहाँ चाय के फेंटो बिल्कुल इस तरह। वो जो आप कल भी अफशा ने कॉल की थी कराची से कि वो वाली चाय सिखाएं जो बाहर होटलों में मिलती है, वो इस तरह बनती है, दूध पत्ती इस तरह वो फेंटते रहते हैं। उनके पास स्टील का मग होता है, वो इस तरह फेंटने से ही फ्लेवर आता है उसका, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। चाय को जब भी जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अदी, जी अदी कुछ चाहिए जी, जी मेहरबानी। जी अदी फिश वाला कोफ्ता, फिश वाला कोफ्ता दी ठीक है, ठीक है। तुम टीवी वो मैं जल्दी से बताई थोड़ा, ठीक है। आमीन जजाकला आमीन। अच्छा इतने मैं चाय भी कढ़ा तो तुम कोफ्तन की रेसिपी बुधाएं तो जी जी ठीक है। कप्स ले लें, चाय हमारी बॉयल हो रही है, स्टेनर छन्नी ले लेते हैं चाय की। अच्छा जो फिश जो कोफ्ता ठाया उन अध किलो का डेढ़ पा जितनी मच्छी खड़ो कंडन वाली हुए या बगैर कंडन जे उनके पानी ब मिनट बॉयल कजो, उनमें ब मिनट मच्छी विझी हल्की बाहे ते ब मिनट टे मिनट उनके बॉयल करी मच्छी के कढ़ी वटो छानी में सफ़ा थदी थी वे कंडा उन कढ़ी वटो, ठीक है। एक भी कंडो न हो हथ से भोरे चॉपर में या उखरी मोरी में सिलबट्टे में जी तक ठाने। बसर खो एक गंट बिल्कुल बारीक कटिंग कर वो ब का टे अद सावा मिर्च विझो, बारीक कटिंग कर सावा धाणा विझो उनमें टे का चार खण जो चमचा, बारीक कटिंग करे अदरक थूम जो पेस्ट विझो एक खण जो चमचो, ठीक है। यो विझण का पोइ में विझो कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, जीरो एक चाय जो चमचो, पीठल दाणा एक का डेढ़ चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो। ये सब शूँ विझण का पो कसूरी मेथी थोड़ी सी आए तो वो भी विझी छो एक ब पिंच उनके ग्राइंडर में हलाई छो या उखरे मोरे में चंगी तरह कुटे वो उनके कटो, ठीक है। डबल रोटी स्लाइस में विधा, अगर डबल रोटी स्लाइस विझो तो टे का चार डबल रोटी स्लाइस हथ से भोरे उनके अंदर हलाई छो, अगर डबल रोटी स्लाइस ना विझो तो बेसन भी छो थोड़ा चार का पंज खण चमचा भुने उनके अंदर मिले छो, डबल रोटी स्लाइस बेस्ट उनके हलाने का कटो हथ जहाँ आला करी उनका कोफ्ता ठाजो शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर कटी वो मसालो जो तेन सिखारे उन तरीके से तक ठाईद। ये हो गई हमारी मसाला टी तैयार, इसको छान लें, ठीक है। मसाला जितना इसमें डाला था वो सब छन जाएगा इसके अंदर से। मज़ेदार ये रेसिपी है, रात के टाइम आप ये चाय बना के पिए, बहुत अच्छी है। सर्दी होती है रात के टाइम, शाम के टाइम अक्सर दिल कर रहा होता है चाय बनाने का, तो आप ये मसाला टी आप बना के ये आपने पीनी है, ठीक है। सियारे के हिसाब से डाढ़ी ज़बरदस्त है ये रेसिपी, और आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं बिल्कुल डिफरेंट थी। कल भी हम इंशाल्लाह फ़िश की रेसिपी बनाएंगे, कल का भी देखिएगा। सुबाने भी ॾिसजो मच्छी जी रेसिपी तमाम बेहतरीन। बस ये चाय कढ़ी वठूँ पो टेबल ते हलूँ था। खुशबू ॾाढी सुठी अचे पई, छाकाणि त हिन में सौंफ भी आहे, सुंड भी विधल आहे, ठीक है। सौंफ भी डाली हुई और सौंठ भी डाली हुई है, तो इस वजह से इसमें मसाला और इलायची की अपनी अलग अरोमा होता है। तो ये हमारी आज की रेसिपी हो गई कम्प्लीट, और टेबल पर चलते हैं। रेसिपी कम्प्लीट हो गई है और ये कल रिपीट चलेगा 12 बजे, ठीक है। सुभाने 12 बजे रिपीट हलंदो, आई कुकिंग विद शेफ समझो पेज है, उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी है, उते तांके का भी शे समझना अचे तो तां पुछी सको था, ठीक है। ये हो गई हमारी चाय स्पेशल मसाला टी, और भी बहुत तरह की चाय हैं वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। बादाम वाली चाय है ड्राई फ्रूट की, और तंदूरी चाय, तंदूरी चाय का चाय की फरमाइश पहले भी आ चुकी है, तंदूरी चाय इंशाल्लाह बनाएंगे। किस तरह बनती है वो सर्दियों में बड़ी ज़बरदस्त लगती है, उसमें भी मसाले डलते हैं, ठीक है। जो कि रेसिपीज आई थी वही कंप्लीट, कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें
सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो, उसको लाइक करें, मेरे चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आपका बेल आइकन का बटन होता है, छोटी सी घंटी बनी होती है, वो आपने प्रेस करनी है। लेटेस्ट अपडेट जो यहाँ से अपलोड होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी होगी, तो वो भी देखिएगा, फ़िश के हिसाब से होगी, फ़िश की एक से दो रेसिपीज़ होंगी और कुछ साथ, अगर एक हुई तो उसके साथ कोई और चाय वगैरह होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ सां मुझो पेज आ फेसबुक ते, उनके लाइक कजो, हुते तां मेंबर ठही वेंदो, जेका रेसिपीज हूंदियूं तां मिली वेंदियूं आहिनि। ऐं वीडियो ॾिसण लाइ असांजो चैनल आहे सिंध टीवी HD कुकिंग शो, सिंध टीवी HD कुकिंग शो, उनखे लाइक कयो। जेके वीडियोज़ हूंदियूं आहिनि हुनखे भी लाइक कंदा कयो, सब्सक्राइब जो बटन हूंदो आहे ॻाढ़ो, उहो बि दॿाईंदा कयो, बेल आइकन जो बटन बि नंढो हूंदो आहे उहो बि दॿाईंदा कयो। सॼी अपडेट्स हितां जीअं अपलोड थींदी आहे राजो तव्हांखे पाणी हुनजो अपडेट अची वेंदी। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, सुभाणे मच्छी जी नई रेसिपी हूंदी। इनशाला सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी, दुआउनि में याद रखिजो। अला हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।